अरे यहीं से आगे जिस मैदान में आज ये प्रतियोगिता हो रही है उस मैदान को बनाने में हमारे पदाधिकारी मंत्री महोदय वॉलीबॉल का आनंद लेते हुए की तरह वॉलीबॉल खेलते हुए माननीय अमूल खबर था जिसको जेसीबी और चाटी चला करके एनसीओ के बनाया गया है कि आज यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही है। यहाँ पर किसी प्रकार के खेल का आयोजन नहीं किया जा सकता। एक युवा खिलाड़ी की तरह अपना पूरे जोश और खरोंच के साथ मंत्री जी प्रतियोगिता में स्कूल का मैदान इतना अच्छा और सुंदर आप सभी के विद्यालय साफ यहाँ बना रहे हैं सभी कौन महोदय ग्राम पंचायत गुड़गांव की टीमों का हौसला रखते हुए और युवा बुजुर्ग बच्चे सब खेल रहे हैं और इससे एक भाईचारे की भावना पैदा हो रही है क्योंकि पुराने समय में चौपालों पर चौक में अथाई पर इस तरह की कल्चर हुआ करती थी। जाति पाति को भुलाकर लोग खेला करते थे तो आज जीवन शैली बदल गई है। फास्ट फूड का ज़माना आ गया है आपके मोबाइल का टेलीविज़न का लोग उसको देखते हैं। बच्चे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं रहें और ये ग्रामीण प्रतिभाएं इनका ही हुनर दिखाएंगी उससे निखर के आएंगी प्रतिभाएं तो वो हमारे स्टेट लेवल से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलेंगे। तो हमने ग्रामीण जो प्रतिभाएं निखर के आएँ और एक भाईचारे की भावना बने और एक जीवन शैली में सुधार आए। दूसरा हम चाहते हैं कि जो हमने स्पोर्ट्स में 229 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है 2% का आरक्षण है और हमारे जो अवार्ड हैं उनमें भी हमने बढ़ोतरी घोषणा की है ओलंपिक में ए साइड में और इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय खेलों में। तो पहले 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए इस तरह किया है तो किस तरह हमारे स्वस्थ जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें भाईचारे की कैसे भावना बढ़े और हम सब मिलजुल कर खेल को खेल की भावना से खेलें।